माइक चेक, माइक चेक, चेक। हेलो, हाय एवरीवन, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। सो फाइनली यहाँ पे मेरा सेशन लाइव हो चुका है इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे एंड यूट्यूब पे। जैसे कल मैंने बताया था कि आज का मेरा जो लाइव सेशन है जिसमें मैं आपको हेयर स्टाइल सिखाने वाली हूँ, फाइनली हमारा सेशन लाइव है। आप लोग जल्दी से सेशन को कनेक्ट कर लीजिए।
आज के लाइव सेशन में हम लोग बहुत अमेजिंग एक टेक्निक सीखने वाले हैं। आप लोग जल्दी से कनेक्ट कर लोगे, इसके बाद मैं बताने वाली हूँ कि आज हम क्या करेंगे लाइव सेशन में, राइट। अगर जिसको पता था कि आज मैं लाइव आने वाली थी एंड हेयर स्टाइल सिखाने वाली थी, देन ओके। जिसको नहीं पता था और आई गए हैं इस लाइव सेशन में, देन आप इस सेशन में ट्यून रहिए, क्योंकि आज का जो सेशन है बहुत ही अमेजिंग होने वाला है। क्योंकि आज के सेशन में आपको ऐसी एक हेयर स्टाइल की टेक्निक सीखने को मिलने वाली है जो शायद आप सबकी बहुत बहुत ब्यूटीफुल एंड फेवरेट टेक्निक है, राइट। सो सेशन में आप लोग जुड़े रहिए मेरे साथ, एंड आपको अच्छा लगेगा तो और लोगों के साथ भी इस सेशन की लिंक को शेयर कर दीजिए, ताकि आप ही की तरह और लोग भी हमारे साथ कनेक्ट हो जाए और आज की जो हेयर स्टाइल होगी, आज का जो लुक होगा, आज का जो टेक्निक होगा, आज का जो मेथड होगा, वो भी सीख पाए, राइट। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। चले हम फाइनली यहाँ पे सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं, एंड जस्ट वेट। सो मैं कैमरा थोड़ा सेट कर देती हूँ गाइज, आप लोग 2 मिनट वेट कर लीजिएगा। यहाँ पे हमारी मॉडल्स भी आ चुकी है, एंड बहुत ही जल्दी से हम सेशन की शुरुआत करेंगे। चले सो फाइनली यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत लोगों की डिमांड होती है कि ऐसा एक लुक चाहिए जिसमें टाइम ना लगे, जिसमें कोई प्रोडक्ट ना जाए, और बहुत ही आसानी से, ना मेहनत करनी पड़े, ना प्रैक्टिस की नीड रहे, राइट। ऐसे लुक की बहुत लोगों की रिक्वायरमेंट होती है, एंड खास करके कर्ल्स में तो बहुत लोगों की डिमांड होती है कि हमें भी वो कर्ल्स चाहिए जैसे सेलिब्रिटी के कर्ल्स होते हैं, हमें भी वो लुक सीखना है जैसे सेलिब्रिटी का लुक होता है, राइट। तो फाइनली आज मैं आपके साथ एक ऐसा लुक शेयर करने वाली हूँ जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। मेरी मॉडल के हेयर काफ़ी पतले हैं एंड कटिंग हेयर हैं, तो आज आपको एक ऐसा सॉल्यूशन मिलेगा आज के सेशन से कि अगर आपके मॉडल के हेयर शॉर्ट हैं, अगर आपके क्लाइंट के हेयर कटिंग है या फिर तो पतले हैं, वो हेयर के अंदर आपको वॉल्यूम कैसे क्रिएट करना है, कैसे कम टाइम के अंदर आप सेलिब्रिटी यानी कि ग्लैम लुक दे सकते हैं, एंड कैसे वॉल्यूम क्रिएट कर सकते हैं। सो सेशन को बहुत ध्यान से सुनना है, ध्यान से देखना है, एंड ध्यान से सीखनी है एक एक चीज़ को, राइट। क्योंकि इसमें मैं कर्ल्स करूँगी, एंड कर्ल्स में बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम्स होती हैं कि किस तरह से कर्ल्स किया जाए, कौन से मशीन की साइज़ यूज़ करनी चाहिए, कौन सी ब्रांड यूज़ करनी चाहिए। तो जो भी पॉइंट्स होंगे मैं आपके साथ इस सेशन में शेयर करने की कोशिश करूँगी, बट इसके लिए आपका यहाँ पर मुझे चाहिए सपोर्ट, एंड सपोर्ट के लिए आपको मेरे साथ इस पूरे सेशन में ट्यून रहना है, ओके। तो अगर आप एक्साइटेड है आज के सेशन के लिए, आज के लुक के लिए, देन जल्दी से यहाँ पे मुझे हार्ट सेंड कर दीजिए, जल्दी से यहाँ पे शेयर कर दीजिए। आपको मुझे हार्ट सेंड करना है पर्पल, राइट। जल्दी से जितने यहाँ पे ज्यादा हार्ट मुझे मिलेंगे उतना जल्दी मैं आज का लुक स्टार्ट करूंगी। सो फाइनली यहाँ पे हमारे 600 प्लस हो चुके हैं, एंड और भी मुझे आपसे एक्सपेक्टेशन है कि आप इस सेशन के लिंक को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, ताकि हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़ पाए, एंड बहुत सारे लोग ऐसे आए जिसको ये चीज़ नहीं पता है और उनको ये सेशन के थ्रू, आपकी हेल्प के थ्रू कुछ सीखने को मिल जाए, राइट। चले यहाँ पे बहुत सारे हार्ट्स आ रहे हैं, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। यूट्यूब फैमिली आप लोगों को थैंक यू सो मच, इंस्टाइन फेसबुक फैमिली आप सबको बहुत बहुत आप सबका धन्यवाद। एंड यस मैं सेशन शुरू करूँ इससे पहले कुछ डिटेल मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। मैं फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे कॉन्टेक्ट नंबर मेरा पिन कर देती हूँ, क्योंकि आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं। मैं फिलहाल आपके कमेंट के आंसर नहीं कर पाऊंगी, जैसे ही मेरा लुक डन हो जाएगा उसके बाद मैं आप सबके कमेंट के आंसर करूँगी, राइट। तब तक आप लोग थोड़ा पेशेंस रखिएगा, इंतज़ार कर लीजिएगा, एंड जो लुक यहाँ पे हम सीखने वाले हैं वो ध्यान से सीख लीजिएगा। चले सो यहाँ पे मैंने कॉन्टेक्ट नंबर पिन कर दिया है,
एंड यस, डिटेल कुछ ये है कि यहाँ पे मुझे काफ़ी सारे लोगों के कोर्स की डिटेल्स आ रही है, कमेंट्स आ रही हैं, तो मैं जो हॉस्टल शुरू करूँ इससे पहले बता देती हूँ कि मेरा जो आने वाला 7 डेज का ऑनलाइन एंड ऑफलाइन कोर्स है वो शुरू होने जा रहा है 21 to 27 June को, राइट? 7 दिन की मेरी ऑनलाइन एंड ऑफलाइन हॉस्टल मास्टर क्लास होने जा रही है, एंड 7 दिन की जो हॉस्टल मास्टर क्लास है वो बहुत ही अमेजिंग वे के साथ मैंने स्ट्रक्चर की हुई है, इसीलिए क्योंकि इस क्लास के अंदर मैं चाहती हूँ कि बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें, डिफरेंट डिफरेंट क्रिएशन मैं आपके साथ शेयर करूँ। एंड ये जो क्लास मैंने इस टाइम पे जो डिज़ाइन किया है वो मैं फर्स्ट टाइम करने वाली हूँ, इससे पहले मैंने आज तक कभी ऐसी क्लास नहीं की है, और ये बहुत ही स्पेशल क्लास मैं फर्स्ट टाइम लेके आई हूँ। ये स्पेशल क्यों है वो भी मैं आपको बता देती हूँ कि जनरली हम लोगों को जो हेयरस्टाइल सीखना होता है, फॉर एग्जाम्पल मुझे बॉलीवुड हेयरस्टाइल सीखना है तो मुझे उसी की क्लास करनी होगी, फॉर एग्जाम्पल मुझे प्रैक्टिकल हेयरस्टाइल सीखना है तो मुझे उसी की क्लास करनी होगी, फॉर एग्जाम्पल मुझे इंटरनेशनल हेयरस्टाइल सीखनी है तो मुझे वो क्लास करनी होगी, राइट? ये जनरली चलता आ रहा है। बट इस क्लास के अंदर जो मेरी आने वाली 7 दिन की क्लास है उसके अंदर मैं 7 दिन के अंदर आपको टोटल इस तरह के 6 कंसेप्ट क्लियर करवाऊंगी। 6 कंसेप्ट कैसे रहेंगे? डे 1 रहेगा थ्योरी नॉलेज, उसके साथ पूरा टेक्निक। आप कोई भी प्रकार की हॉस्टल आपने आज तक देखी है, जहाँ से भी देखी है, वो कौन सी टेक्निक से क्रिएट होती है वो मैं आपको फर्स्ट डे सिखाऊंगी। डे 2 मेरा सिलेबस रहेगा बेसिक हॉस्टल, ट्रेडिशनल हॉस्टल, ब्राइडल के कितने टाइप के फ्रंट वेरिएशन कर सकते हैं, ब्राइडल के कितने टाइप के लोबन डिजाइन कर सकते हैं, जितने भी टाइप्स होते हैं वो सारे टाइप्स मैं आपको सिखाऊंगी डे 2 पे। यानी कि डे 2 हमारा सिर्फ और सिर्फ ब्राइडल कंसेप्ट रहेगा और कोई बात हम नहीं करेंगे। इसके बाद डे 3 हमारा रहेगा मेसी हॉस्टल। डे 3 पे हम सिर्फ और सिर्फ मेसी हॉस्टल सीखेंगे, कर्ल्स कैसे करना है, कितने टाइप्स के कर्ल्स होते हैं, कौन से मशीन यूज करने चाहिए, कौन सा लुक देना चाहिए, टेक्सचर कैसे देना चाहिए, इवन आपको बन क्रिएट करना है तो कैसे करना चाहिए, सेलिब्रिटी लुक में मैसी लुक देना है तो कैसे करना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ कल्स की बातें होगी। डे 4 हम जाएंगे सेलिब्रिटी लुक, यानी कि ग्लैम लुक। अगर आपको ग्लैम लुक क्रिएट करना है, आपको सेलिब्रिटी की तरह वेव डिजाइन करने हैं, सेलिब्रिटी की तरह आपको नीट लुक डिजाइन करना है तो कैसे करना है, डे 4 पूरा सेलिब्रिटी का कंसेप्ट रहेगा और कोई सब्जेक्ट के बारे में बात नहीं की जाएगी। उसी तरह से डे 5 रहेगा एलिमेंट, जो मेरा है सिग्नेचर एक पैटर्न हैंडमेड एलिमेंट। तो डे 5 पे हम सिर्फ और सिर्फ सीखेंगे कि आपको हैंडमेड एलिमेंट कैसे बनाना है, जो एलिमेंट के थ्रू आप अपनी हॉस्टल को काफ़ी आसान एंड ईजी बना सकते हैं, राइट? उसी तरह से डे 6 हमारा होगा एडवांस हॉस्टल, जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ एडवांस क्रिएशन कैसे करना है, कितने टाइप्स के क्रिएशन होते हैं, कैसे करना चाहिए, कौन सी टेक्निक से प्ले करना चाहिए, वही सारी चीज़। उसी के साथ आपको प्रोडक्ट नॉलेज मिलेगा, उसी के साथ मशीनरी नॉलेज मिलेगा, बहुत सारी चीज़ें ये 7 दिन के क्लास के अंदर कंसेप्ट वाइज क्लियर होगी, राइट? ये हुई क्लास की बात। 7 दिन के अंदर आपका हॉस्टल तो कंप्लीट होने ही वाला है। आपको अगर ये 6 कंसेप्ट सीखना होगा तो आपको 6 क्लास करनी पड़ेगी, पर अगर आपको ये 6 कंसेप्ट सीखना है और आपको 6 क्लास नहीं करनी है तो आपके पास अभी मौका है। मेरा जो 7 डेज का क्लास है, सिर्फ और सिर्फ आप मेरी 7 डेज की क्लास कर सकते हैं और आपके टोटल 6 कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं, राइट? अब रही बात की ये क्लास स्पेशल तो है, कंसेप्ट वाइज तो स्पेशल है ही, बट उसी के साथ जो है आपको एक्स्ट्रा मिलने वाली चीज वो है कि मेरा जो 7 डेज का कोर्स है उसके साथ आपको मिल रहा है मेरा स्मार्ट वर्क का कोर्स एब्सोल्युटली फ्री, जिसके साथ आपको मेरे 7 दिन का क्लास अगर आप ज्वाइन कर रहे हैं ऑनलाइन या ऑफलाइन कोई भी ज्वाइन कर रहे हैं, उसके साथ आपको मेरा स्मार्ट वर्क का कोर्स आपको एब्सोल्युटली फ्री मिल रहा है। इन स्मार्ट वर्क में आपको सीखने को मिलेगा कि आपको आपके काम को, आपके बिजनेस को, आपके हर एक हैबिट को किस तरह से हार्ड वर्क की जगह पे स्मार्ट वर्क में कन्वर्ट करके करना है, ताकि आपका बिजनेस बहुत अच्छे से स्मूथली फ्लो करे, राइट? तो ये टेक्निक, स्मार्ट वर्क की टेक्निक आपको मिलने वाली है, किस तरह से आप अपने काम को स्मार्ट बना सकते हैं, किस तरह से आप अपने आप को स्मार्ट बना सकते हैं, उस सारी चीज इसके साथ सीखने को मिलेगी। उसी के साथ आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट, सोशल मीडिया एंड आपको बिजनेस को कैसे डेवलप करना है, ये चीज भी आपको मेरे 7 दिन के क्लास में एक्स्ट्रा मिलने वाली है, राइट? अब ये क्लास जो है इसकी डेट है 21 to 27 June, राइट? बहुत ही जल्द हमारी क्लास आने वाली है। क्लास जो है वो सूरत में हो रही है ऑफलाइन, एंड ऑनलाइन आप अपने घर बैठे सीख सकते हैं, जैसे आप अभी मुझे देख रहे हैं, राइट? सो अगर आप लोग इंटरेस्टेड है इन क्लास को ज्वाइन करने के लिए, आपके हॉस्टल को कंसेप्ट क्लियर करने के लिए, उसी के साथ आपकी पर्सनालिटी डेवलप करने के लिए, बिजनेस की ज्ञान लेने के लिए, सोशल मीडिया की ज्ञान लेने के लिए, हॉस्टल की टेक्निक की ज्ञान लेने के लिए अगर आप रेडी हैं,
देन डेफिनेटली आप मेरी नीचे दी गई कॉन्टेक्ट नंबर पे जाकर कॉल करके अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, राइट। बाकी के सारे आपके जो कमेंट हो गए, क्वेश्चन हो गए, मैं डेफिनेटली जरूर से लास्ट में रीड करूंगी। एंड फिलहाल हम शुरू करने जाएंगे ये हेयर पे कर्ल्स, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि हमारे आज के जो मॉडल के हेयर हैं वो कटिंग हेयर हैं, राइट। फ्रंट के हेयर काफ़ी शॉर्ट हेयर हैं एंड जो मिडल के हेयर है वो इस तरह से लेयर कट किए हुए हैं, यानी कि स्टेप कट हेयर हैं, राइट। तो स्टेप कट हेयर में कर्ल्स कैसे करना है एंड कौन से डायरेक्शन यूज करनी है, मशीन की साइज यूज करनी है। हमेशा हमें कर्ल्स करने में यही सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि एग्जैक्ट पता नहीं होता है कि कौन से हेयर में कौन सी मेसी हेयर स्टाइल दी जाए। ये भी बहुत डीप सब्जेक्ट है, आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से हेयर है। फॉर एग्जांपल किसी के स्ट्रेट हेयर हैं तो उसमें कौन सी हेयर स्टाइल देनी चाहिए, किसी के स्टेप कट हेयर है तो उसमें कौन सी मेसी हेयर स्टाइल देनी चाहिए। ये पूरा डीप सब्जेक्ट है, इसके लिए आपको मेसी कंसेप्ट को समझना पड़ता है, राइट, जो मैं मेरे क्लास में सिखाने वाली हूँ। तो अभी हमारे पास है स्टेप कट हेयर और स्टेप कट हेयर में मेरे क्लाइंट की यानी कि मेरे मॉडल की डिमांड है कि मुझे चाहिए कर्ल्स, तो कर्ल्स कौन से करेंगे, राइट। इसमें हम सबसे बड़ी गलती ये कर देते हैं, कभी कभी डायरेक्शन गलत कर देते हैं या फिर तो हम छोटे टोंग मशीन से कर्ल्स करते हैं तो पूरा आर्टिफिशियल लुक डिजाइन कर देते हैं, राइट। एग्जैक्ट पता नहीं चलता है कि कैसे वॉल्यूम दे एंड कैसे टेक्सचर दे एंड कौन सी डायरेक्शन यूज करे। सो आज हम देखेंगे कि पतले हेयर के अंदर आपको वॉल्यूम कैसे देना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं करूँगी क्या, अच्छा मेरे बहुत सारे पतले हेयर थे, स्केंटी हेयर थे, आप देख सकते हैं यहाँ पे कि स्कैल्प भी दिखता है, राइट। तो यहाँ पे मैंने रूट में क्रिम्पिंग किया हुआ है। क्रिम्पिंग से हुआ क्या है कि एक हल्का सा वॉल्यूम मिल गया है टेक्सचर क्रिएट करने के लिए। अब मैं यहाँ पे करूँगी, मुझे राइट साइड या लेफ्ट साइड पार्टिंग चाहिए इसकी एंड क्राउन एरिया पे मुझे हल्का सा वॉल्यूम चाहिए। सो क्राउन एरिया पे मैं करूँगी क्या, जैसे कि मेरा बैक साइड का जो पार्ट है क्राउन पार्ट, उसमें से इस तरह से दो तीन लेयर लेकर बैक कोमिंग कर देंगे। और बैक कोमिंग ये मैं इसीलिए कर रही हूँ क्योंकि मुझे क्राउन से हल्का सा एक वॉल्यूम चाहिए, राइट। सो बैक साइड से सेक्शन लेकर लाइट लाइट बैक कोमिंग करेंगे, लाइट स्प्रे एप्लीकेशन करेंगे। सी जब आप इस तरह का कोई ओपन लुक क्रिएट कर रहे हैं तो इसमें आपको ज्यादा प्रोडक्ट यूज करनी जरूरी नहीं होती है ना। सो ये आपको हेल्प हो जाए, इसलिए मैं ये टिप्स आपको शेयर कर रही हूँ कि अगर किसी के पतले हेयर है या स्केंटी हेयर है और ओपन लुक देना है तो आप वॉल्यूम कैसे दे सकते हैं, राइट। यस, यहाँ पे हमारे 700 प्लस यानी कि 800 अराउंड होने वाले हैं, तो आप इस लिंक को और ज़्यादा शेयर कर दीजिए, 1000 हम क्रॉस कर ही जाए आज, है ना। बस आप लोगों को थोड़ा सपोर्ट करना है कि इस लिंक को थोड़ा और फैला दो और लोगों तक जाने दो ताकि और भी लोग हमारे साथ इस लुक को सीख पाए। सो गाइज, ऐसे ही डिटेल में डीपली आप हेयर स्टाइल की हर एक टेक्निक सीखना चाहते हैं, देन डेफिनेटली मेरी आने वाली 7 days की क्लास जो है वो आपकी बहुत बड़ी हेल्प कर सकती है। और ये क्लास में मैं आपको 100% वादे के साथ बता सकती हूँ कि आप आपकी लाइफ के अगर 7 दिन मुझे देते हैं तो 7 दिन के अंदर जब आप क्लास मेरी कंप्लीट करके जाओगे, अपनी लाइफ में आप ड्राफ्टिंग चेंज पाओगे, अपनी टैलेंट इम्प्रूव हो जाएगी, अपनी स्किल इम्प्रूव हो जाएगी, आप खुद अपडेट हो जाओगे, किस तरह से आपको काम करना है वो आपको पता चल जाएगा, राइट। यहाँ पे मैंने एक हल्का सा वॉल्यूम क्रिएट कर दिया है एंड अब हम जाएंगे हेयर को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, बहुत ही क्विक, बहुत ही इजी टेक्निक के साथ हम कर्ल्स करेंगे क्विक, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं स्टार्च करूँगी बैक साइड से एंड ये स्टेप कट हेयर है इसलिए आपको सेक्शनिंग लेने में थोड़ा ध्यान रखना है कि आपको स्टेप कट हेयर के लिए किस तरह से सेक्शन उठाने हैं, राइट। सो यहाँ पे मैंने लिया है नेप एरिया पे एक सेक्शन। सी आपको जब लार्जर टोंग क्रिएट करना है, लार्जर वेव क्रिएट करना है, देन ऑलवेज आपको बड़े सेक्शन के साथ जाना है। सो यहाँ पे मैंने एक बड़ा सेक्शन ले लिया है, उसके बाद मैं यहाँ पे 28 mm की टोंग मशीन यूज कर रही हूँ। मशीन है आइकॉनिक की, आप कोई भी ब्रांड की ले सकते हैं एंड साइज जो है 28 मैक्स टू मैक्स हम यूज करेंगे। 900 क्रॉस कर दिए है, जल्दी से जाइए और लोगों तक शेयर कर दीजिए, 1000 क्रॉस करने हैं हमें, राइट। तो यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ 28 mm की साइज एंड यस, इंडियन हेयर पे हम 28 ही मैक्स टू मैक्स यूज़ करेंगे, राइट। एंड क्यों हम
28 ही यूज करेंगे। आप में से किसी को पता है तो मुझे जल्दी से यहाँ पे कमेंट करके बताइए कि 28 ही हम क्यों यूज करेंगे। वैसे तो ये मशीन के साइज जो है वो 30 होती है, 32 होती है, 35 होती है, इससे भी बड़ी मशीन आती है, पर हम यानी कि इंडियन हेयर पे हम 28 ही यूज करेंगे, इससे बड़ी वाली यूज नहीं करेंगे। क्यों? अगर आप में से किसी को पता है तो मुझे यहाँ पे कमेंट में बताइए। चलिए, इसके बाद मैं सेक्शन को रखूंगी वर्टिकल, एंड वर्टिकल रखने के बाद कर्ल्स को इस तरह से मशीन में सेक्शन को रख के स्प्रेड करती जाऊंगी, एंड एंड में आने के बाद एंड को लॉक करके इनसाइड टर्न टर्न टर्न। अच्छा, अब ये जो कर्ल्स में राइट साइड के सेक्शन का करूंगी राइट हैंड से करूंगी, राइट हैंड से इसीलिए करना है क्योंकि ये कर्ल्स को मुझे फ्रंट साइड सेट करना है, आगे की साइड रखना है, और आगे की साइड रखने के लिए मुझे चाहिए आउट डायरेक्शन। आउट डायरेक्शन के लिए मैंने यहाँ पे किया है राइट साइड कर्ल्स। अच्छा, मैंने कर्ल्स को निकालने के बाद मैं रोल कर दूंगी, और रोल करने के बाद स्टील क्लिप की हेल्प से फिक्स कर दूंगी। इसीलिए फिक्स करूंगी, इसके पीछे भी कुछ रीजन है, क्लिप करने के पीछे भी, राइट? अच्छा, यहाँ पे आंसर आ रहे हैं, सभी वेट कर रहे होते हैं आपको लाइव आकर देखने के लिए। अच्छा, इट्स मीडियम साइज मशीन, सॉफ्ट कर्ल आए इसीलिए, कर्ल्स अच्छे हो इसीलिए, वॉल्यूम हो इसीलिए, नेचुरल लुक के लिए, नहीं नहीं नहीं। अच्छा, कोई मुझे करेक्ट आंसर बताएगा तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। जल्दी से गाइस, हम बहुत 1000 के करीब करीब पहुंच गए हैं। आप और भी फैला दीजिए लिंक को, एंड कर दीजिए आज का हमारा जो टास्क है वो कंप्लीट। अच्छा, मुझे यहाँ पे जो आंसर आ रहे हैं वो करेक्ट नहीं है, करेक्ट नहीं। अच्छा, मैं करेक्ट आंसर आपको बता दूँ कि हम 28 mm की टोंग मशीन ही क्यों यूज करते हैं, इससे बड़ी मशीन क्यों यूज नहीं करते हैं, राइट? सो ध्यान से सुनिएगा, जो भी लोग यहाँ पे मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं या फिर अभी अभी जिन्होंने ज्वाइन किया है वो लोग ध्यान से इस टॉपिक को सुनिएगा क्योंकि बहुत ही यूजफुल टॉपिक है, राइट? हम इंडियन हेयर पे 28 mm मशीन ही क्यों यूज करते हैं, 28 mm की टोंग मशीन ही क्यों यूज कर रहे हैं, राइट? इसीलिए क्योंकि हमारे इंडियन हेयर जो है वो ज्यादा ही ब्लैक हेयर होते हैं, राइट? जेड ब्लैक पिगमेंटेशन है हमारे हेयर की, उसकी वजह से होता क्या है, अगर हम 28 से बड़ी कोई टोंग मशीन यूज करेंगे तो हमारे कर्ल्स ज्यादा ही बड़े हो गए, यानी कि खुल जाएंगे, जल्दी ही खुल जाएंगे। ब्लैक हेयर होता है, ब्लैक हेयर में वेट होता है, वेट होने की वजह से आप जो शेप देना चाहे वो टाइट शेप नहीं मिलता है। शायद यही रीजन की वजह से हमारे हेयर जो कर्ल्स है वो हेयर में से लूज हो जाते हैं, राइट? सो इसीलिए हम 28 यूज करते हैं क्योंकि ये मीडियम साइज है। अगर इससे बड़ी साइज यूज करेंगे तो हमारे हेयर में, इंडियन हेयर में, स्पेशली इंडियन हेयर में टोंग नहीं टिकेंगे, जल्दी ही खुल जाएंगे, है ना? एंड 28 से एक बड़ा सा वेव मिलता है, तो ये मैक्स टू मैक्स साइज है। अगर इससे बड़ी की तो फिर आपके हेयर में कर्ल्स किया है या नहीं किया है ऐसा कुछ नहीं फर्क दिखेगा, राइट? सो इसीलिए आपको 28 ही यूज करना है। हाँ, अगर आप ब्लॉन्ड हेयर पे काम कर रहे हैं, हाइलाइटेड हेयर पे काम कर रहे हैं, या फिर कोई रशियन हेयर पे काम कर रहे हैं, देन डेफिनेटली आप 30 mm या फिर 32 mm की मशीन से कर्ल्स कर सकते हैं क्योंकि वो हेयर जो है ब्लॉन्ड होते हैं, ब्लॉन्ड हेयर ड्राई होते हैं, हल्के होते हैं, उसकी वजह से उसमें आप कोई भी बड़ी मशीन यूज करें एक शेप ले लेगा अपना हेयर, राइट? चले, सो एक कर्ल्स यहाँ पे मैंने कर दिया है, उसके बाद बहुत ही क्विक देखिए 4 to 5 सेक्शन के अंदर यहाँ पे हमारे कर्ल्स हो जाएंगे। मैं यहाँ पे ले रही हूँ स्लांट सेक्शन, है ना? स्लांट सेक्शन आपको लेने हैं और स्लांट सेक्शन के साथ ही जाना है आपको इसको आप बाउंसी कर्ल्स बोल सकते हैं, ये कर्ल्स का टेक्निक है बाउंसी कर्ल्स, राइट? क्योंकि इसमें हम क्या कर रहे हैं, एंड में हीट दे रहे हैं, एंड में हमारा सेक्शन जो है वो टाइट होगा, ऊपर से थोड़ा थोड़ा लूज होगा क्योंकि हम मशीन को एंड में लेके जा रहे हैं, तो फर्स्ट लेयर जो होगा मशीन से कनेक्ट वो लेयर पे थोड़ी ज्यादा हीट मिलेगी, फिर जैसे जैसे हम इस तरह से रोटेट करते जाएंगे वो सारे ऊपर के लेयर में कम हीट मिलेगी। सो होगा ऐसा कि ऊपर से बाउंस आएगा, नीचे से लूज रहेगा।
अच्छा यहाँ पे मैं क्लिप कर रही हूँ, अगर आपको क्लिप करना है तो कर सकते हैं, नहीं करना है तो नहीं भी करोगे तो भी चलेगा। मैंने इसमें आपको बताया कि अगर आप स्टेप कट हेयर पे काम कर रहे हैं तो ऑलवेज आपको स्लांट सेक्शन के साथ जाना है। अगर आप स्लांट नहीं करोगे तो जब आप सेक्शन को इस तरह से मशीन में पास कर रहे हैं तो उस टाइम होगा क्या, हेयर निकल जाएंगे, है ना, क्योंकि शॉर्ट शॉर्ट हेयर हो गए वो एंड तक नहीं रहेंगे, बीच में से ही निकल जाएंगे। अच्छा यहाँ पे हम क्लिप नहीं कर रहे हैं, कर्ल्स को ऐसे ही रखेंगे, थोड़ा क्विकली जा रहे हैं। इसका लास्ट लुक आप देखिएगा, बहुत ही अच्छा लुक आएगा। लेफ्ट हैंड से आप पकड़ सकते हैं अगर आप लेफ्ट साइड कर रहे हैं, राइट राइट से करोगे तो आपको राइट हैंड से ही पकड़ना होगा, नहीं तो आपकी जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाएगी। इस तरह से आपको फैलाना भी होगा इसीलिए, क्योंकि सारे हेयर में हीट लग जाए। अच्छा कौन कौन एक्साइटेड है लास्ट फाइनल लुक देखने के लिए? वैसे तो सब लोग होंगे बट अच्छा ओपन लुक किसको बहुत पसंद है इस तरह के? राइट सो यहाँ पे हमने एक नॉर्मल सा हल्का सा एक वेव दे दिया है। ओके सो फाइनली हम जा रहे हैं अदर साइड, एंड अदर साइड भी हम सेम वैसे ही करेंगे। मैं चेयर थोड़ा रोटेट कर देती हूँ ताकि आप लोग अच्छे से देख पाए। अच्छा यहाँ पे अगर आप राइट से ही डायरेक्शन सही दे पा रहे हैं देन आप राइट से ही करिए, जैसे मैं कर रही हूँ, है ना। अगर आप राइट से हैंडल नहीं कर पा रहे हैं देन आप लेफ्ट हैंड में टोंग पकड़ लीजिए और लेफ्ट हैंड से डायरेक्शन दीजिए। अच्छा किसको समझ में आ गई है ये कर्ल्स की टेक्निक? मुझे 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 ओके okay. ओके गाइस ओके चले, ये कर्ल्स के बाद ये चैप्टर कंप्लीट नहीं होता है, आप लोग कंटिन्यू देखेगा क्योंकि इसके बाद हम इसको ओपन भी करने वाले हैं और वहीं पे ही हम लोग थाप खा जाते हैं कि बस कर्ल्स कर लिया काम खत्म। नहीं,
अभी इसके बाद शुरू होगा कि किस तरह से आपको इसको स्टाइलिंग देनी है ना। कर्ल्स तो हर कोई कर लेता है, आप भी कर लेते हैं और मैं भी कर लेती हूँ, बट उसको आपको स्टाइल करना आना चाहिए, किस तरह से उसको स्टाइल देना है। और स्टाइल के लिए आपको सेशन में बने रहना है। स्प्रे क्यों नहीं किया? सी मुझे अभी सॉफ्ट लुक चाहिए एंड एक स्मूथ वेव चाहिए, इसीलिए मैंने यहाँ पे स्प्रे नहीं किया है। राइट, ग्लो लुक इसको हम बोलते हैं। ग्लो लुक आपको जब देना है तो इसमें स्प्रे की नीड नहीं है। कर्ल्स में बहुत सारे टाइप्स होते हैं गाइस, तो कौन से कर्ल्स कर रहे हैं, कौन सा लुक दे रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको प्रोडक्ट एप्लीकेशन करनी होती है। कर्ल्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आपको बहुत डीप से समझना पड़ता है, क्योंकि हर एक की आज प्रॉब्लम यही हो रही है कि कर्ल्स स्टे नहीं कर रहे हैं, कर्ल्स लास्ट नहीं रहते हैं, या फिर तो कर्ल्स की डायरेक्शन समझ नहीं आती है, या फिर तो कौन से हेयर में कौन सा मेसी लुक देना चाहिए वो नहीं पता होता है। राइट, इसके पीछे की रीज़न एक ही है कि आपको कर्ल्स का फंडा जो है, कर्ल्स का जो कंसेप्ट है वो ही क्लियर नहीं हुआ है ना। आई एम फ्रॉम मलेशिया, आई वुड लाइक टू नाउ द ब्रांड ऑफ द कर्ल्स मशीन। ये कर्ल्स मशीन मेरे पास जो है वो आइकॉनिक की है एंड इसमें और भी बहुत सारे ब्रांड्स अवेलेबल है, लाइक ओमी का है, एचएनके का है, स्टाइलेक्स का है। राइट, सो फाइनली यहाँ पे हमारे कर्ल्स डन हो चुके हैं। अब मेरे साथ इसी पेशेंस के साथ आपको ध्यान से देखना है कि इस कर्ल्स को मैं कैसे स्टाइल कर रही हूँ, है ना। यहाँ तक का तो कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा, समझ में आ जाएगा कि चलो बस कर्ल्स ही तो करने हैं और क्या कुछ नया है। राइट, बट अब शुरू होगा कि इसको स्टाइल कैसे देनी है। देखिए बहुत ही ईजी टेक्निक के साथ यहाँ पे हमने लार्ज टोंग क्रिएट किए हैं। तो ये लुक आप कब दे सकते हैं? जब आपके स्टेप कट हेयर हैं, जब आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है एंड आपने क्लाइंट को सॉफ्ट लुक चाहिए, उस टाइम पे आप उठा लीजिए 28 mm की टोंग मशीन एंड कर दीजिए लार्ज टोंग। राइट, चलिए इसको हम करते हैं अब स्टाइलिंग। अच्छा, ये फ्रंट के सेक्शन में मैं थोड़ा सा टर्न दे देती हूँ, मुझे ज़्यादा हार्शर लुक नहीं चाहिए, बहुत ही स्मूथ लुक चाहिए, इसलिए मैं ज़्यादा टोंग नहीं करूँगी। फ्रंट एरिया जो है मेरा काफ़ी कटिंग है, शॉर्ट है, सो मैं जस्ट एक सिंगल टर्न दूंगी। राइट, सी बहुत अच्छा सा एक वेव यहाँ पे हमें मिल चुका है। ओके, चले अब मैं क्या करूँगी, मेरे जो राइट साइड के हेयर है, राइट साइड के सारे हेयर को एक साथ लेकर उसको, देखिए मैं डायरेक्शन के बारे में बता देती हूँ, मैंने राइट साइड से क्यों किया, क्योंकि मुझे आउट डायरेक्शन चाहिए थी, आउट डायरेक्शन। अच्छा, आप ये आउट डायरेक्शन कब दे सकते हैं? आउट डायरेक्शन कब दे सकते हैं? जब आपका फेस छोटा है। राइट, जब आपका फेस छोटा है तब आपको आपके ओपन लुक के कर्ल्स की डायरेक्शन देनी होगी आउट साइड। इसीलिए आउट साइड देना है क्योंकि छोटा फेस है और आपको उस फेस के फीचर्स को शार्प दिखाना है। छोटे फेस पे आप ऐसा ही स्टाइलिंग बनाइए जिससे आपका फेस ज़्यादा दिखे, बड़ा दिखे। राइट, क्योंकि हम फेस को बड़ा तो नहीं सकते हैं बट जो फीचर्स है उसको हार्ड तो दिखा सकते हैं। राइट, सो छोटे फेस पे आपको ऑलवेज ओपन लुक करना है तो ऑलवेज आपको आउटसाइड डायरेक्शन के साथ जाना है, इसीलिए क्योंकि आप देखिए अगर ये फेस जो है हम इन डायरेक्शन करेंगे, ऐसी कोई डायरेक्शन करेंगे तो होगा क्या, ये फेस का पार्ट मेरा कंटूर हो जाएगा। राइट, थैंक यू सो मच, 1000 क्रॉस हमने कर दिए हैं यहाँ पे एंड फाइनली आप सबने बहुत सारा सपोर्ट किया, 1000 क्रॉस हो चुके हैं एंड यस,
तो जैसे मैंने बताया कि स्मॉल फेस है तो आपको आउट डायरेक्शन में जाना है, बहुत अमेजिंग टिप्स मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। स्मॉल फेस है तो आपको आउटसाइड डायरेक्शन फॉलो करना है, जब आपको बड़ा फेस है तो आपको मेरे तरह कर्ल्स करने हैं, जैसे कि मेरे कर्ल्स की डायरेक्शन है एक इन एक आउट, एक इन एक आउट, राइट। ये कर्ल्स और ये कर्ल्स दोनों में आपको डिफरेंट लग रहा होगा। ये फेस आप बड़े फेस के लिए करोगे, ये कर्ल्स आप बड़े फेस के लिए करोगे, इसीलिए क्योंकि बड़ा फेस होता है उसको आपको कंटोर करना होता है, राइट। तो जब अनइवन डायरेक्शन होता है तो आपका फेस जो है वो इसी तरह से कंटोर होता है ना। फीचर्स को शार्प हम हाइड करते हैं, शार्प नहीं करते हैं। जब स्मॉल फेस है तब आपको आउट डायरेक्शन देना है। हालांकि हमारे मॉडल का फेस बड़ा है, यहाँ पे हमें अनइवन डायरेक्शन करना चाहिए था अगर ये मेरे क्लाइंट होते तो, पर आपको सिखाने के लिए, आपको दिखाने के लिए मैंने अभी किया है आउट डायरेक्शन। सो आई होप आपको ये कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और ऐसे और भी बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर करने के लिए आ जाओ है मेरी क्लास में, जहाँ पे मैं आपको सिखाऊंगी बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट कंसेप्ट, एक एक छोटे छोटे प्रैक्टिकल टिप्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी जो आपकी हेयर स्टाइल को अपने आप को इम्प्रूव कर सकती हैं, राइट। चलिए यहाँ पे हम जाएंगे कर्ल्स को सर्च करने, और सर्च करने के लिए मैं यूज करूंगी ज़ीकॉम, राइट। आप कोई भी ज़ीकॉम यूज कर सकते हैं, अगर आप चाहे कि आपको थोड़ा हार्शर लुक देना है देन आप ये कर्ल्स को ही रखिए, ओपन मत करिए, है ना। मैं और थोड़ा फ्रेम जूम करती हूँ ताकि आप अच्छे से देख सके, ओके। बट अगर आपको इसको और थोड़ा स्मूथ लुक देना है देन जरूर से आप ज़ीकॉम की हेल्प से जाइए, ज़ीकॉम की हेल्प से ओपन करिए। ओपन करने के बाद देखिए मैंने ओपन कर दिया है, एंड यहाँ पे मैं करूँगी थोड़ा हार्ट स्प्रे। हार्ट इसलिए करूँगी क्योंकि टर्न मुझे चाहिए ऐसे ही, लास्टिंग में चाहिए, शेप में चाहिए। सो यहाँ पे आपको देना है टेक्सचर एंड शेपिंग, राइट। सो मैंने किया है हार्ट स्प्रे, ये हार्ट स्प्रे मैंने यूज़ किया हुआ है। जैसे ही मेरा स्प्रे ड्राई हो जाएगा उसके बाद मैं करूँगी इसको सेट, राइट। सेट करने के लिए यू कैन सी अमेजिंग लुक यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। इसके बाद हम जाएंगे फ्रंट एरिया पे, जो हमारा फ्रंट है। अच्छा, अगर आप चाहे यहाँ पे आपको थोड़ा फ्रंट में बाउंस चाहिए, वॉल्यूम चाहिए, टेलकॉम, देन आपको यहाँ पे करना है हल्का सा बैक कॉमिंग, राइट। सो यहाँ पे मैं हल्का सा बैक कॉमिंग करूंगी एंड लाइट लाइट स्प्रे एप्लीकेशन। बैक कॉमिंग इसलिए करना है अगर आपको फ्रंट में वॉल्यूम चाहिए, नहीं चाहिए देन ओके। अच्छा, ये कैसा लगा मुझे एक बार जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। वैसे तो अच्छा ही लगेगा ना, किया अच्छा है तो अच्छा ही लगने वाला है। देखिए सी, ये बाउंस जो है एक छोटे से बैक कॉमिंग एंड परफेक्ट मेथड से हमें मिला है, राइट। सो गाइज, आपको जब कुछ समझना है ना तब आप ऐसे कोई लुक, ऐसी कोई टेक्निक सीख कर रखिए जो आपकी हेयर स्टाइल को इजी बना दे। देखिए ये जो मेरा लुक है इस साइड का, राइट। और चाहे आपको फेस थोड़ा फोरहेड कंटूर करना है देन आप इसको फ्रंट में ले लीजिए नॉर्मल, राइट। इस तरह से आप सेटिंग कर सकते हैं। अच्छा, अब हम जाएंगे अदर साइड, एंड अदर साइड भी सेम, सारे कर्ल्स को एक साथ लेकर इसी तरह से स्प्रे करेंगे नॉर्मल। जैसे ही स्प्रे हमारा ड्राई हो जाएगा उसके बाद स्टाइल, सो गाइज, अगर ये लुक जो है आप 10 मिनट्स के अंदर बनाना चाहे तो आप आराम से बना सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई ऐसा एफर्ट्स नहीं है। आपको कर्ल्स करने में विथ इन 10 मिनट्स जाएगी, 10 मिनट से ज़्यादा आपका टाइम भी नहीं जाएगा, है ना। देखिए
बहुत ही सॉफ्ट एंड सिंपल लुक यहाँ पे डिज़ाइन किया हुआ है। अच्छा, अगर आप चाहे कि आपको इसमें और थोड़ा सा वॉल्यूम चाहिए लाइक ऐसे जैसे सेलिब्रिटी का होता है, देन आपको यहाँ से ऐसे करना है पुल। ओके, पुल करने के बाद थोड़ा सा पुश करोगे, पुल करोगे एंड उसके बाद आपको इन साइड स्प्रे एप्लीकेशन करनी है, राइट। थोड़ी थोड़ी आपको लाइट लाइट एप्लीकेशन करनी है, उससे होगा क्या, आपके फेस से हेयर आपके थोड़े से दूर सेट हो जाएंगे एंड आपको जो वॉल्यूम चाहिए, जो लुक चाहिए वो भी मिल जाएगा, राइट। ऐसे करके सो ये पूरा स्टाइलिंग का कंसेप्ट है ना। कल्स के बाद देखिए हम कैसे कैसे ये स्टाइल कर रहे हैं। सो यही पार्ट मेन होता है स्टाइलिंग का। ओके गाइस, तो आप भी इस लुक को ज़रूर से ट्राई करिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा आप इसको ट्राई करोगे एंड मुझे स्टोरी पे मेंशन करोगे। ओके, सो अगर आप चाहे कि आपको इसको दोनों साइड नहीं देना है, देन आप इसको वन साइड भी दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने कोई ऐसा हेयरस्टाइल बनाया है जिसमें आपको वन साइड मैसी लुक देना है, देन आप डेफिनेटली वन साइड एक डायरेक्शन में कर्ल्स कर दो, रोटेट कर दो कॉम से एंड देन सेट कर दो, राइट। सो आज के सेशन में हमने सीखा है कि कर्ल्स को कौन सी डायरेक्शन में करना चाहिए, कौन से हेयर में कौन से साइज यूज करने चाहिए, कौन से फेस पे कौन से कर्ल्स देने चाहिए एंड एक और पॉइंट कि ये जो कर्ल्स हैं उसमें आपको एक सॉफ्ट एंड नेचुरल बाउंसी लुक कैसे देना चाहिए, राइट। सो आज के सेशन में हमने बहुत सारे चीज़ बहुत सारे टॉपिक क्लियर किए हैं। अगर आप ऐसे ही हर रोज़ मेरे साथ नए नए टॉपिक नई नई चीज़ें नई नई टेक्निक सीखना चाहते हैं तो कल भी मेरे साथ 2:30 को वापस से लाइव आ जाएगा। कल भी हमारा सेशन अमेजिंग रहेगा, कल भी हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें सीखेंगे जो आपके हेयरस्टाइल को इम्प्रूव कर सकती हैं एंड ये हेयरस्टाइल का पूरा कंसेप्ट डिटेल में डेप्थ के साथ आप क्लियर करना चाहते हैं, पूरा समझना चाहते हैं हेयर कितने टाइप्स के होते हैं, हेयर कौन से होते हैं, कौन से हेयर में कौन सा लुक करना चाहिए, कौन से फोरहेड पे कौन सा फ्रंट वेरिएशन देना चाहिए, कौन से फेस पे कौन सी हेयरस्टाइल देनी चाहिए, शॉर्ट हेयर में क्या करना चाहिए, लॉन्ग हेयर में क्या करना चाहिए, कितने मशीन्स होते हैं, कब कहाँ पे यूज़ करना है, कितने टेम्परेचर से यूज़ करना है, कौन से टूल्स यूज़ करने हैं, कौन से प्रोडक्ट यूज़ करने हैं, कैसे यूज़ करने हैं, ये सारी चीज़ सारी डिटेल अगर डिटेल में सीखना चाहते हैं, डीप में डेप्थ के साथ सीखना चाहते हैं, हेयरस्टाइल का फंडामेंटल क्लियर करना चाहते हैं तो मेरी 7 दिन की ऑनलाइन एंड ऑफलाइन हेयरस्टाइल मास्टर क्लास हो रही है जिसमें मैं आपको हर चीज़ पूरे कंसेप्ट के साथ डिटेल के साथ मेरे सारे सीक्रेट ओपन करके आपको मैं सिखा दूंगी ताकि आप फ्यूचर के एक्सपर्ट बन सके। तो अगर ये सीक्रेट मेरे जानना चाहते हैं तो मेरे 7 दिन के क्लास में आ जाए जहाँ पे मैं आपको बहुत अच्छे से हाथ पकड़ पकड़ कर हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करवाऊंगी एंड सारे हेयर के कंसेप्ट आपके क्लियर करवाऊंगी। उसी के साथ आपको मेरा बहुत सारी एक्स्ट्रा चीज़ें भी मिलने वाली है जैसे कि बिजनेस मैनेजमेंट कैसे करना है, बिजनेस डेवलप कैसे करना है, पर्सनालिटी डेवलप कैसे करनी है, स्मार्ट वर्क का मेरा कोर्स आपकी लाइफ बदल देगा बहुत ही अमेजिंग, आपके बिजनेस करने के मेथड को बदल देगा, आपके काम करने के मेथड को बदल देगा। जैसे कि आज हम जो भी गधे की तरह काम कर रहे हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं, फिर भी कुछ कमा नहीं रहे हैं, जितनी मेहनत कर रहे हैं, जितना पसीना बहा रहा है, उतनी इनकम जनरेट नहीं कर पा रहे हैं, क्यों? ये सारी चीज़ आपको मेरे स्मार्ट वर्क के कोर्स में ऐसे ऐसे सीक्रेट ऐसे ऐसे टिप्स एंड ऐसे ऐसे टेक्निक्स मिलेंगे जो आपके हर काम करने की मेथड को चेंज कर देगा। सो आ जाइए, नीचे कॉन्टेक्ट नंबर है, अभी जाकर कॉल करिए, रजिस्ट्रेशन करवाइए एंड मिलिए मेरे साथ कल 2:30 नेक्स्ट लाइव सेशन में ऐसे ही अमेजिंग हेयरस्टाइल के साथ नई टेक्निक के साथ। तब तक बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।